हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज जो मैं स्कैन करने जा रही हूँ वो है MRCP। MRCP का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलिंजियो पैनक्रियाटोग्राफी। इसमें जो हम स्कैन करते हैं वो हम GB, CVD और पैनक्रियाटिक डक्ट के लिए करते हैं। तो आज का स्कैन हम स्टार्ट करते हैं। स्कैन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसकी पोजिशनिंग और कौन सी कॉइल यूज़ कर रहे हैं और उसके साथ हम क्या लगाते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए आज का वीडियो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो हमने ये पेशेंट की पोजीशनिंग, उसको सुपाइन लिटाया है। ये जो बेल्ट बांध रहे हैं ये रेस्पिरेटरी गेटिंग होता है। इस स्कैन को करने के लिए हमें इसमें रेस्पिरेटरी की ज़रूरत पड़ती है। ये जो आप देख रहे हैं ये रेस्पिरेटरी गेटिंग होता है, जो एक बलून शेप का होता है। इसको हम डायफ्राम के ऊपर बांधते हैं ताकि जब वो ब्रीथ रोकेगा तो वो उसके हमें सिग्नल वहाँ स्क्रीन पे मिलते हैं। और पेशेंट को समझाना है कि सांस रोकने के लिए, कि जब हम उसको सांस रोकने के लिए बोलेंगे तो अच्छे से सांस रोकनी है। इस स्कैन के लिए हम टॉर्सो कॉइल यूज़ करते हैं। ये टॉर्सो कॉइल है। इस कॉइल का हम यूज़ करते हैं और इसमें हम पेशेंट को सांस रुकवाने के लिए बोलते हैं। यहाँ पे जो कनेक्टर है, ये जो कनेक्टर है वो ऊपर की साइड भी है, तो वो इसका होल्डर जो हमें जो कनेक्ट करना है वो वहाँ की तरफ करना है। फ़ोन में वहाँ ले जा नहीं सकती कि वहाँ पे मैग्नेट है, मैग्नेट का थोड़ा सा वो रहता है, इसलिए मैं उतना फ़ोन नहीं ले जा सकती। जैसे वो होल्ड किया है ऐसे ही सेम इस साइड होता है। पेशेंट की पोजीशनिंग सुपाइन करनी है, बिल्कुल सीधा लिटाना है। जो कॉइल हमने रखी है वो अपर चेस्ट कवर करते हुए जहाँ तक हमारी कॉइल जा रही है वहाँ तक। जो सेंटरिंग करेंगे वो सेंटर ऑफ दी मिड कॉइल पे होगा। तो ये पेशेंट को हम अंदर कर रहे हैं। अब जो भी होगा वो अब हम स्कैन स्क्रीन से करेंगे कंसोल से। फर्स्ट स्कैन हमारा सर्वे रहेगा, जो कि 3-प्लेन लोकलाइज़र है। सबसे पहले हम कोरोनल प्लान करेंगे। तो पहला हमने कोरोनल सीक्वेंस खोल लिया है। कोरोनल को पहले कोरोनल इमेज पे एकदम बॉक्स को सीधा रखना है। जैसा इमेज जा रहा है उस हिसाब से इसका बॉक्स रखना है। एक्सेल पे हमें ये देखना है कि एरिया पूरा कवर है एंटीरियर टू पोस्टीरियरली, ठीक है। और एक्सेल का एंगल हमें इस हिसाब से रखना है कि थोड़ा सिमेट्री कटे और सैज में भी जिस एंगल में जा रहे हैं उसी एंगल में हमें थोड़ा सा बॉक्स को रखना है। ये हमारा कोरोनल का प्लान है। एरिया देख लीजिए, यहाँ से हमें लोअर चेस्ट से हमें बॉक्स रखना है और नीचे किडनी के बाद तक इतना एरिया हमें कवर करना है। यह हमारा कोरोनल प्लान हो गया, हम इसको स्टार्ट करेंगे। इसमें जो हमने सीक्वेंसेस उठाई हैं, इसमें पहला मैंने जो लिया है वो फैट सेट कोर है, एक फैट सेट एक्सियल है, उसके बाद T1 T2 दो एक्सियल और किए हैं। एक ये MRCP 3D है, इसमें 3D व्यू आता है MRCP के लिए। एक डिफ्यूज़न डाला है और एक सिंगल शॉट इमेज। ये सिंगल शॉट इमेज हमें जो पेशेंट की ब्रीथ रुकवा के ही चलाने पड़ते हैं। बाकी के जो हमारे सीक्वेंसेस हैं वो मैं उस पे हैं, ट्रिगर पे हैं। जब पेशेंट खुद ब्रीथ रोकेगा तो सीक्वेंसेस ऑटोमेटिक स्टार्ट रहेंगे, ट्रिगर इसको बोलते हैं। और हमें अगर देखना है कि हमने कौन सा सीक्वेंस किस में लिया है तो हम इसको वापस ज्योमेट्री में जाना है। ये जो भी अभी अगर हमने सीक्वेंस लिए हैं, अब ना ज्योमेट्री से पहले एक फिजियोलॉजी भी आता है। इसमें हमें पूरी सीक्वेंस की डिटेल मिलेगी कि हमने ये कौन से किस पे लिया हुआ है। ये रेस्पिरेटरी ट्रिगर पे है। अगर हम इसको सिंगल शॉट करेंगे तो इसकी फिजियोलॉजी हमारी ये ब्रीथ वाली रहेगी और हमें जो भी ब्रीथ होल्ड मोड जो भी है वो हमारा एक्सपायरेशन रहेगा। एक्सपायरेशन का मतलब ये है कि जब उसकी सांस अंदर जाएगी फिर उसको छोड़ना है, उसके बाद हमें वो सीक्वेंस स्टार्ट करना है। तो ये इसका मतलब ये होता है। हमारा जो ब्रीथ स्लाइस ब्रीथ होल्ड है वो 1 है, मतलब अगर हम एक बार में हम एक ही स्लाइस को रखेंगे। और जो हमारा ब्रीथ होल्ड ड्यूरेशन है, यानी कि हमें उसको सांस कितने सेकेंड्स तक ब्रीथ होल्ड ड्यूरेशन का मतलब ये है कि हमें उस पेशेंट की सांस कितनी सेकंड्स तक रुकवानी है। तो वो 6 सेकंड लिखा है, तो मतलब 6 सेकंड तक हम उस पेशेंट की सांस रोकनी पड़ेगी।
6 सेकंड्स के बाद हमें दूसरा ट्रिगर मिलेगा, हमें उसको ब्रीथ होल्ड के लिए रुकवाना पड़ेगा। हर 6 सेकंड के बाद हमें एक स्लाइसेस काटनी होती हैं, तो इसका मतलब ये होता है। और वॉइस इंस्ट्रक्शन, यानी वॉइस इंस्ट्रक्शन हमारी ये वॉइस ये है, यहाँ से हम जो भी वॉइस इंस्ट्रक्शन रखना चाहें यहाँ से रख सकते हैं। अगर हम खुद मैनुअली करना चाहते हैं तो हम अपना मैनुअली भी इसको बोल सकते हैं, लेकिन मशीन में भी फीड्स होते हैं, तो अगर हम उसको इसको ऑन करेंगे तो मशीन भी उसको ब्रीथ होल्ड के लिए बोल सकती है। और जो ब्रीथ होल्ड और गाइडेंस है वो यूज़ ऑटो वॉइड भी है, यानी कि मशीन भी इसको बोल सकती है सांस रोकने के लिए। तो इसमें ये सारी डिटेल्स होती हैं, हर सीक्वेंस की डिटेल होती है, आप उसको भी देख सकते हैं फिजियोलॉजी में जाके। जो ट्रिगर पे है उसमें हमें ज़्यादा छेड़ना नहीं होता है, ट्रिगर वाले सीक्वेंस ऑटोमेटिक चलते रहते हैं। वो यहाँ पे इनकी रेस्पिरेटरी होती है, जहाँ पे ये नॉर्मल मतलब सांस जहाँ रोकता है वो मशीन खुद ही कैच करती है, वहीं पे ये सीक्वेंस स्टार्ट हो जाता है। तो ट्रिगर का मतलब ये होता है, हमें इसमें कुछ करना नहीं होता है, बस जहाँ पे पेशेंट ने ब्रीथ रोकी वो ऑटोमेटिक उसको ले लेगा। और जो ट्रिगर पे नहीं होते हैं वो हमें उनकी सांस रुकवानी पड़ती है, उसके बाद वो सीक्वेंस स्टार्ट होता है। तो ये हमारा ऑटो व्यू में कोरोनल आ चुका है, अब हमें इसे कोरोनल पे इस पर एक्सियल प्लांट डालना है। तो ये सीक्वेंस हमने डाला, ये हमारा कोरोनल इमेज है, इसको स्टोन्स भी आ रहे हैं जीबी में और एक सीबीडी में भी है, ठीक है। तो अब हमें इस पर एक्सियल प्लांट डालना है, एक्सियल जो हमारा प्लान होगा आप ये येलो बॉक्स पे ध्यान मत दीजिए, ये रेड बॉक्स है, ये हमारा प्लान है। तो हमारा जो फर्स्ट कट होगा वो लिवर से स्टार्ट होगा और जो एंड लोकेशन होगी वो किडनी कवर करता हुआ जाएगा। तो हमारा ये एक्सियल में इतना प्लान डालना है, ठीक है। एक्सियल में हमें देखना है बॉक्स एकदम सीधा होना चाहिए और सैज में देखना है कि इसका एंगल जिस हिसाब से स्पाइन जा रही हो उसी हिसाब से इसका सैज का एंगल रहेगा। अब ये ग्रीन बॉक्स, ग्रीन बॉक्स के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये एक शिमिंग होती है। शिमिंग का मतलब ये होता है जो भी हम फैट सीक्वेंस चला रहे हैं उसके आर्टिफैक्ट्स को कम करता है। इस बॉक्स को एयर के बाहर नहीं ले जाना है, एयर के अंदर ही रहेगा, मतलब कि फैट में ही रहेगा, एयर में ये और आर्टिफैक्ट देता है, इसलिए इसको हम एयर के बाहर नहीं रखते हैं। ये सिर्फ उसी रीज़न को रहेगा, एरिया ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि जो हम जिस पार्ट का कर रहे हैं हमें ये बॉक्स वहीं रखना है, सिर्फ इससे ना आगे रखना है ना पीछे रखना है। बाकी प्लान हमारा जो है वो ये है। तो अब हम इसका, हमारा एक्सियल प्लान पूरा हो चुका है, इसको एक्सेप्ट करेंगे और इसको स्टार्ट करेंगे। तो हमारे जितने भी एक्सियल हैं, जो हमने T2 पैट्स है, T1 और T2, ये तीन एक्सियल लिए हैं, ये हमारे ऑटोमेटिक प्लान हो गए हैं, अब हमें ये एक्सियल प्लान नहीं कर रहे हैं। इसके बाद हमारा एक 3D व्यू रह जाता है, एक डिफ्यूज़न और एक सिंगल शॉट। तो जब ये एक्सियल आ जाएगा तो हम उस पर ये 3D व्यू प्लान डालेंगे। तो यहाँ पे एक्सियल आ चुका है, अब एक्सियल पे अब हम 3D प्लान डालेंगे। ये हमारा एक्सियल सेक्शन है, तो अब जो 3D प्लान जाएगा वो हमारा पूरा GB को कवर करता हुआ जाएगा, GB CBD जिस एंगल में थोड़ा ये जा रहा है उसी एंगल में थोड़ा सा हमें इसका एंगल रखना है, बाकी एरिया जो हमारा होगा वो GB और CBD पूरा कवर करना होगा। ये 3D का प्लान रहता है, बाकी सैच पे हमें वो एंगल ही रखना है जिस एंगल में जा रहा है स्पाइन, और बॉक्स को हमें वैसे ही रखना है कोरोनल पे जैसा हम रखते हैं सीधा एकदम। और इसमें हमें बस एरिया ही देखना है, ये हमारे 3D के कट्स हैं, हमें बस एरिया कवर करना है पूरा ऊपर से लेके नीचे तक, और एंगल थोड़ा सा जिस एंगल में ये जाएगी उसी एंगल में ये थोड़ा सा टिल्ट रखना है, इसको एक्सेप्ट करना है, ये सेव्ड हो जाएगा। अब हमारा बस एक लास्ट सीक्वेंस रह गया है जो कि सिंगल शॉट है। तो अभी हमें इस वाली एक्सियल वाली इमेज में हमें CBD निकालनी है। तो पहले तो ये रहा हमारी CBD जिसमें स्टोन दिख रहा है ये, ठीक है, ये वाली इमेज निकाली हमने, इस पे हम अपना प्लान डालेंगे।
तो ये जो रिंग है सबसे बीच का मिड, इसको CBD पे रखना है, ठीक है। और इसका एंगल जो भी होगा, ये थोड़ा कर्व है CBD, तो हम इसको ज़्यादा एंगल देंगे नहीं क्योंकि ये एक सीधी साइड में नहीं जा रही है, तो हम इसको ज़्यादा एंगल दे नहीं सकते। बस हमें ये याद रखना है कि जो हमारा जो प्लान है वो CBD के ऊपर ही जाएगा, शिमिंग को उसके ऊपर ही रखना है। ठीक है, तो ये हमारा प्लान हो गया है सिंगल शॉट का। बाकी एक्सेप्ट करना है और स्टार्ट करना है। जब ये सीक्वेंस स्टार्ट होगा तो पेशेंट को हमें सांस रोकने के लिए बोलना पड़ेगा। बाकी के सीक्वेंस तो ट्रिगर पे हैं, वो ऑटोमेटिक चलेंगे, लेकिन जो सिंगल शॉट वाला है वो ब्रीथ होल्ड सीक्वेंस है, तो हमें पेशेंट को सांस रुकवाना पड़ेगा, तब वो एक सीक्वेंस स्टार्ट होगा। इसमें जो 12 कट्स जो हमने लिए हैं, यानी कि हमें इसको ये जो हमने यहाँ दिखाया था 6 सेकेंड ड्यूरेशन, यानी कि हर एक कट 6 सेकेंड के बाद हमें लेना पड़ेगा। तो इसमें ये होता है, बस पेशेंट का सांस रुकवाना है, उसके बाद हमें एक सीक्वेंस एक कट स्टार्ट करना है। अब हमारा ये ब्रीथ होल्ड वाला सीक्वेंस स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे हमारा एक ऑप्शन आ गया है कि अगर हम जब हम इसकी सांस रुकवाएंगे तो यहाँ से कंटिन्यू स्कैन करेंगे, ठीक है। तो हमें जो बोलना है वो माइक के ज़रिए बोलना है, तो हमारा ये माइक है, ये हमारा इसको सुनाने का है। यहाँ से हम बोलेंगे, जब ये दबाएंगे तो इसका अंदर आवाज़ जाएगी। जब हमारा सांस रोकता है पेशेंट तो लाइन सीधी हो जाती है और हमें उसी टाइम स्टार्ट करना होता है, ठीक है। तो फिर से बोलेंगे, फिर से एक लंबी सांस भर के सांस रोकिए। ले लीजिए सांस, ये हमारी ऑटो व्यू में इमेज आ रही है। फिर से एक लंबी सांस भर के सांस रोकिए। ले लीजिए सांस। तो हमारा ये ब्रीथ होल्ड वाला भी सीक्वेंस खत्म हो गया है। ये इसकी इमेज है, मैं बड़ा करके दिखाती हूँ, ये देखिए। अगर पेशेंट सांस अच्छे से रोकेगा तो ये हमें ये इसकी सारी ये सब चीज़ें एकदम क्लियर दिखेंगी, एकदम अलग अलग। अगर पेशेंट ने सांस नहीं अच्छे से रोका तो ये हमें सब ब्लर दिखेगा, इसकी CBD और इसकी ये सारे ये सब क्लियर दिख रहे हैं क्योंकि इसने पेशेंट ने सांस अच्छे से रोका है। तो हमें ये सीक्वेंस चलाने से पहले बस ये याद रखना है कि पेशेंट का ब्रीथ एकदम प्रॉपर होना चाहिए। बाकी कुछ और समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। अगर कुछ भी आपको क्वेरी है किसी भी सीक्वेंस को लेके या कुछ भी, तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। और आप किसी भी टॉपिक पे मुझसे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट करें, ठीक है। और अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया हो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।